सर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी के एक बड़े नेता की हत्या कर दी गई है। कुछ बताएंगे ये हत्या किसने किया, क्या है ये मामला पूरा? जी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की गोली मारकर हत्या की जो घटना सामने आई है, ये जी बिहार के गोपालगंज जिले में हुई है जी जी और इसे लेकर इस वक्त पूरे इलाके में एक तरह की हलचल मच गई है, जी क्योंकि इससे पहले बिहार के सिवान में आरिफ जमाल जो जिला मुखिया थे उनकी भी हत्या कर दी गई थी जी जी और उसके जो यानी क्रिमिनल है मारने वाले उनको अब तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। जी जी तो 2 महीने पहले वो हत्या हुई थी और अब अब्दुल सलाम जो असलम मुखिया के नाम से जाने जाते थे इनकी हत्या हो जी चुकी है जी और ये ओवैसी की पार्टी के काफी यानी सीनियर नेता थे। जी 2023 में ये विधानसभा के चुनाव भी लड़ चुके थे। जी जी इसके अलावा गोपालगंज में मदरसा इस्लामिया के जिम्मेदार भी थे। तो इसको लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो सोशल साइट है एक्स पर भी लिखा जी है और उन्हें साफ तौर से कहा है कि बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है जी वो कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में यानी पूरी तरह से फेल हो चुकी है जी जी और ये तक कह दिया है कि AIMIM के जो नेता हैं उनकी टारगेटेड किलिंग हो रही है जी और अगर ये इसी तरह से होता रहा तो जो AIMIM पार्टी है वो यानी जी सड़कों पर प्रोटेस्ट करेगी। तो जी लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। हालांकि ओवैसी पर इनकी पार्टी पर ये भी इल्जाम और आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी की भी टीम है। जी हालांकि अब जो यह हत्या हुई है क्योंकि नीतीश कुमार जो बीजेपी के साथ मिल गए हैं जी तो तो इस ये हत्या के मतलब सर पीछे ये मतलब ये भी एक मतलब काफी वैसा पॉइंट है कि जैसे ही जो बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार एक हुई है उसके बाद से ये मामला एकदम से वो हुआ, मतलब ये भी एक मतलब गौर करने वाली बात है। जी असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बात को उठाया है जी कि हमको तो एक तरह का यानी ये नीतीश कुमार ने एक इनाम दे दिया है, यानी जैसे उनके साथ मिले हैं जी तो फौरी तौर से यानी इनकी पार्टी के जो एक नेता थे और काफी एक्टिव थे इनकी जी हत्या हुई है। जी तो इस पर यानी जो नीतीश कुमार सरकार है उस पर इन्होंने हमला बोला है जी और साथ में वाइस पठान की भी एक वीडियो सामने आई है, लेकिन जो इल्जाम हैं वो फिर भी असदुद्दीन ओवैसी पर लगते हैं कि वो यानी बीजेपी की भी टीम है। हालांकि यानी ओवैसी की पार्टी का यानी कोई भी नेता आप कभी नहीं देखोगे कि वो बीजेपी में शामिल हो गया हो, लेकिन चाहे कांग्रेस हो दूसरी जो पार्टियां हैं इनके जो नेता हैं आमतौर से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। बहरहाल इस हत्याकांड को लेकर जो पुलिस की जांच है वो चल रही है और अभी तक एक जो बाइक है उसको यानी पुलिस ने वो लिया है, इसके अलावा कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। हालांकि जो असली जो यानी हत्यारे हैं वो अभी तक पुलिस की पकड़ से यानी दूर हैं, तो उनके ताल्लुक से पुलिस ने जो SIT है वो भी बनाने का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा जगह जगह जो पुलिस है वो छापेमारी कर रही है और इसके लिए यानी पुलिस ने ये आशा व्यक्त की है कि जल्द ही जो दोषी है उनको पकड़ लिया जाएगा।